हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बीसीए पाठशाला। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिस्क्रेट सीरीज के ऊपर कि डिस्क्रेट सीरीज में से हम हार्मोनिक मीन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, हमारी हार्मोनिक मीन क्या होगी। इससे पहले मैं इंडिविजुअल सीरीज में बता चुका हूँ आपको कि हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट की जाती है, और साथ ही साथ में मैंने वहाँ पर आपको डेफिनेशन भी बताई उसी एग्जाम्पल के पर्पज़ से। ओके, तो हम अब सीखेंगे डिस्क्रेट सीरीज़। लेकिन डिस्क्रेट सीरीज़ को सीखने से पहले आप प्लीज़ एक बार इंडिविजुअल को ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको एक अंदाज़ा लग जाएगी हार्मोनिक मीन होती क्या है। तो चलो इसे हम फटाफट से अब सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रखा है जो कि डिस्क्रेट सीरीज़ में है। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व आउट करेंगे। मैं सबसे पहले यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन कर देता हूँ, जिससे कि आपको पता चलता रहे कि हमारा सॉल्यूशन आखिरकार होगा क्या। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप यहाँ पर जो है फ्रिक्वेंसी को ऐड कर लीजिए, सॉरी समीशन कर लीजिए। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से, तो समीशन एफ। ठीक है, तो हमारा क्या होगा टोटल इसका, 10, 30 एंड 38, 39 एंड 34 एंड 6, यानी कि इसका टोटल हो गया आपका 50। ओके, तो आप यहाँ पे 50 लिख लीजिए। अब देखो रेसिप्रोकल जब हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हमारा एक्स, यानी कि हमें 1/x को फाइंड आउट करना होता है। ओके स्टूडेंट, 1/x, तो 1/x, तो 8 जो है, ठीक है, अब 8 में, सॉरी 8 से हम 1 में डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना निकलेगा, 0125। आप इसे कैलकुलेटर से जल्दी सॉल्व कर लीजिए। मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ, 125। ओके, इसके बाद आपका आएगा 01 01, क्यों 10 से 1 में देंगे, अब 12 से आप 1 में डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0.083। ओके, अब इसी प्रकार आप 14 से 1 में डिवाइड दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास स्टूडेंट, 0.071। ओके, इसी प्रकार आप जब 16 का डिवाइड दोगे 1 में तो कितना हो जाएगा आपके पास, 0.062। ओके, इसी प्रकार आप जो है लास्ट वाला 8 हमारा है, तो 8 से जब आप डिवाइड दोगे 1 में तो आपके पास कितना आएगा, 0.125। ओके, तो हमारा यहाँ तक तो क्या हो गया, रेसिप्रोकल निकलाया। ठीक है, रेसिप्रोकल स्टेप नंबर फर्स्ट ही हम मान के चलिए, इसमें स्टेप नंबर होता है पहले रेसिप्रोकल, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ 1/x का। ठीक है, यानी कि फर्स्ट हमने कैसे निकाला था, 8 का डिवाइड किया था 1 में, तो हमारे पास कितना निकला था, 0.25। ओके, तो इसी प्रकार हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप नंबर सेकेंड, अब हमारा सेकेंड स्टेप जो है 1/x का एफ से मल्टीप्लाई। ओके, क्या करेंगे, एफ 1/x। ओके, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.125 का जब आप मल्टीप्लाई करोगे फ्रिक्वेंसी 6 में, ठीक है, यानी कि 6 × 0.125। ओके, तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना, आपके पास कितना आंसर आएगा इसका, 0.75। ओके, ये मैं कैलकुलेटर के थ्रू कर रहा हूँ, आप भी इसे कैलकुलेटर के जरिए जल्दी जल्दी कर लें। ठीक है, तो इसका आ जाएगा आपका 1। ओके, एंड फिर आपका 1.66 1.66, एंड फिर आपका 0.568 0.568, एंड इसके बाद है आपका 0.31 0.31, एंड इसके बाद आपका आएगा 0.125 0.125। ओके, तो ये आपका फाइनल हो गया। अब इसमें हमें समीशन निकालना है एफ इंटू 1/x, 1/x हमारा क्या है, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो स्टेप नंबर हमारा कौन सा, थर्ड, तो हमारे थर्ड में क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा किसका, एफ 1/x का। ठीक है, तो इसका समीशन हम करेंगे तो हमारे पास टोटल कितना निकलेगा, अब हमें यहाँ पे टोटल निकालना है इसका,
तो टोटल निकालने के लिए 4.413 आएगा इसका, ठीक है, 4.413। ठीक, तो ये क्या था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसे, ओके, एफ में 1/x। ओके स्टूडेंट, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी ये बात। ठीक है, तो देखो ये कैलकुलेशन करने के लिए आप जो है कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, बिकॉज़ यहाँ पे दिक्कत आती है रेसिप्रोकल में काफ़ी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर से जल्दी जल्दी इनको सॉल्व कर लिया, अब आपको भी ऐसा ही करना है। लेकिन अब इसके बाद जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा फॉर्मूला अप्लाई करने का। तो फोर्थ स्टेप पे हम क्या करेंगे, पहले से हम रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या होता है डिस्क्रेट सीरीज का, तो पहले हम वो बात कर लेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला एच एम निकालने का, तो समीशन ऑफ फ्रिक्वेंसी अपॉन समीशन ऑफ एफ इंटू रेसिप्रोकल 1/x। ओके, ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है, याद रखें इस फॉर्मूले को। तो अब इस फॉर्मूले में ही अप्लाई हम कर देंगे दो वैल्यू जो हमारे पास निकली हैं। फर्स्ट हमारे पास वैल्यू क्या निकली, 50। ओके, हमने जैसे ही बात किया था कि हम हमेशा फ्रिक्वेंसी में डिवाइड देते हैं अपनी एक्स वैल्यू का, ठीक है, सिंपली होता है तो इंडिविजुअल में, और डिस्क्रेट में हम फ्रिक्वेंसी में देंगे 1/x यानी कि रेसिप्रोकल का। ठीक है, तो रेसिप्रोकल हमारे पास कितना निकला टोटल, 4.413। ओके, तो इसमें इससे जब हम डिवाइड देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लीजिए। मैंने इसे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेता हूँ। ओके, वन वन सेकेंड, 11.32 हमारा क्या निकला यहाँ पे, एच एम। ओके, आप अगर बी सी ए के स्टूडेंट हो, ठीक है, ध्यान रखना, अगर आप बी सी ए के हो तो आपको कैलकुलेटर ही लेके जाना है एग्ज़ाम में। ठीक है, कैलकुलेटर कंपलसरी है ले जाना, बिकॉज़ अगर ऐसे सवाल आ जाते हैं तो आपको कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। हम कर भी सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको इंडिविजुअली क्यों नहीं सॉल्व किया है ये सब कुछ, क्योंकि बहुत लंबा खिंच जाता बनना वीडियो, इसलिए मैंने कैलकुलेटर से जल्दी से इन्हें सॉल्व कर लिया और आपके सामने से प्रस्तुत कर दिया यानी कि दिखा दिया। ओके, तो हमारा हार्मोनिक मीन कितना निकला, यहाँ पे आप लिख लीजिए 11.32। ओके, आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा आज का क्वेश्चन, यानी कि डिस्कस सीरीज से हम हार्मोनिक मीन को कैसे निकालें। ओके, और कैलकुलेटर का आपको इस्तेमाल करना ही करना है इसमें। ओके, और नहीं करते तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, इसलिए मैंने तो इसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया, लेकिन आप कर सकते हो, मेरा समझाने का काम था, आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी आपको इस लेक्चर से कोई भी रिलेटेड ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी समझ में नहीं आई है, तो आप मेरे को कमेंट के थ्रू बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें यह भी बताएं कमेंट में कि आपको हमारे लेक्चर कैसे लगते हैं। थैंक यू।